अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बंगाली डिश लेके आई हूँ जो बहुत ही इजी है और एक नाश्ते की रेसिपी है। इसको बंगाली में कहा जाता है चीरेर पुलाव और ये पोहा पुलाव भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करें, चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को अभी फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पोहे ले लिया है। ये जो है ना मोटे वाले जो पोहा मिलता है उसी का इस्तेमाल करना है, जो पतले वाले मिलता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उससे जो है ये गल जाता है और बिल्कुल खुला खुला ये नहीं बनता है। इसको जो है बंगाली में चीरे भी कहा जाता है। मैं जो है पोहे को धोने के लिए इस तरीके का जो है जाली का बर्तन में इस्तेमाल करती हूँ। इससे जो है बहुत ईजीली धुल जाता है और पानी भी फटाफट निकल जाता है, क्योंकि बहुत देर तक जो है पोहे को पानी के अंदर आप लोग रखेंगे तो फिर पूरा ये गिल्ला हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी ले ली हूँ और पोहे को अच्छी तरह से मैं धो के साफ़ कर लेती हूँ। आप लोग जो है 2-3 पानी से भी इसको धो सकते हैं। तो मैं इसको धो लेती हूँ और इसका जो है एक्स्ट्रा पानी वो निकाल देती हूँ और इसको जो है अलग से एक बर्तन में रख देती हूँ। और इसको जो है इसी तरह हमको साइड में छोड़ देना है, तो ये जो है ना पूरा खुला खुला बन जाता है एक 10 मिनट में ही। तो इसको साइड में रखते हैं और हम आप लोगों को दिखा देते हैं इसके लिए मैं कौन से वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग जो है अपने मनपसंद के हिसाब से भी वेजिटेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ले ली हूँ गाजर, जो बारीक बारीक बिल्कुल मैंने कट कर लिया है, और शिमला मिर्च एक मैंने बड़े साइज़ का ले लिया है, उसको मैंने लंबे लंबे कट कर लिया है, प्याज ले लिया है, हरी मटर लिया है और पत्ता गोभी, और मैंने करी पत्ता ले लिया है। तो आप लोग जो है अपने मनपसंद के हिसाब से सब्जियां ले लें। और मैंने हरी मिर्ची यहाँ पर 4 बारीक बारीक मैंने कट करके ले लिया है। और उसी के साथ मैं ले ली हूँ 25 ग्राम काजू और 25 ग्राम किशमिश। तो इनको भी ज़रूर डालें इस पुलाव की रेसिपी में, बहुत ही अच्छा लगता है। अब देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है और पोहे भी बिल्कुल हमारा खुला खुला हो चुका है। तो अभी चलिए इसको बनाते हैं। तो कढ़ाई यहाँ पर मैंने गरम कर लिया है और अभी जो इसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, उतने में ही हमको जो काजू और किशमिश लिया है मैंने उसको फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। तो काजू और किशमिश को जस्ट 30 सेकंड तक ही फ्राई करना है, जब तक कि किशमिश फूल के डबल ना हो जाए तब तक इसको निकालना नहीं है। जैसे ही किशमिश पूरा फूल जाए तब हमको इसको जो है तुरंत निकाल लेना है अलग से एक बर्तन में। तो ये देख सकते हैं किशमिश हमारा पूरा फूल चुका है, अब जो है इसको अलग से फटाफट निकाल लेते हैं। तो इसके जगह पे जो है ना काजू के जगह पे जो आप लोग जो पीनट रहता है उसको भी आप लोग डाल सकते हैं। तो उसी तेल के अंदर जो है हमको अभी बना लेना है। तेल बहुत ज़्यादा ना डालें इसके अंदर, तेल की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखें उससे अच्छा लगता है। तो मैं करी पत्ते का बघार डाल देती हूँ सबसे पहले, इसका खुशबू जो है पूरा तेल के अंदर आना चाहिए। और उसके बाद में सबसे पहले गाजर और पत्ता गोभी डालूँगी, क्योंकि ये दोनों ही थोड़ा कच्चा कच्चा लगता है, इसकी वजह से मैं डाल रही हूँ। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा सॉटे करना चाहते हैं तो सभी सब्जियों को जो है एक साथ भी आप लोग डाल सकते हैं। मेरे बच्चे लोग को जो है थोड़ा सब्जी पका हुआ पसंद है, तो इसीलिए मैं जो है इसको थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ। इसको मैं 30 से 40 सेकंड तक पकाने के बाद इसके अंदर जो है मैं नमक को ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने से जो है ना ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो आप लोग जो है आपके स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक को ऐड करें। मैं यहाँ पर इस 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डाल के इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर देना है। तो ये देख सकते हैं जो अभी जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियां मिक्स हो चुका है और ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका है और गाजर फ्राई भी हो चुका है। तो इसी स्टेज में हमको इसमें डाल देना है हरी मटर। हरी मटर बहुत अच्छा लगता है इस वाले पुलाव रेसिपी में, तो ज़रूर डालें इस विंटर सीजन में, इसको ज़रूर बनाएँ क्योंकि इस टाइम को जो है सभी सब्जियाँ जो है अवेलेबल रहता है। तो अभी जो है इसके अंदर हमको हरी मिर्ची का ऐड कर देना है। आप लोग अपने तीखा के अनुसार हरी मिर्ची डालें। यहाँ पर मैं 4 हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और उसी के साथ मैं अभी बाकी सब्जियों पर डाल दूंगी शिमला मिर्च और प्याज। इन दोनों को डाल के सब सब्जियों को एक साथ हमको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अभी जो है बहुत ज़्यादा देर तक हमको इसको पकाना नहीं है,
इसको जस्ट और भी 30 सेकंड तक मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। आधी चम्मच हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल के आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अभी हल्दी पाउडर डाल के बहुत ही अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ। और अब इसके अंदर हमको डाल देना है चीनी। चीनी जो है ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद है तो आप लोग डालें वरना स्किप करें। मैं पोहे ऐसा नॉर्मली भी बनाती हूँ तो उसमें मैं चीनी ज़रूर डालती हूँ, आधी छोटी चम्मच। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। अब जो है मैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। ये देख सकते हैं सभी सब्ज़ियाँ हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब जो है इसके अंदर एक चीज़ डालूंगी जो है मैजिक मसाला। ये ज़रूर डालें, इससे अच्छा लगता है ये पुलाव। और मेरा वेजिटेबल पुलाव में मैं तो ज़रूर डालती हूँ इस वाले मसाले को। ये मेरा सीक्रेट टिप्स है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इसको डाल के बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दे। अगर आप लोगों के पास मैजिक मसाला नहीं है तो आप लोग आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड ज़रूर करें। अब मैं करीबन 15 से 20 सेकंड तक इसको ऐसा ढक के मैंने छोड़ दिया था। और अभी जो है पोहा जो हमारा भिगा के रखा था, मैं उसको अभी पूरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अभी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और अभी काजू और किशमिश जो फ्राई करके रखा था उसको भी ऐड कर देना है, उसको भी मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और अभी जो है फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया जो है इस पुलाव में ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मिक्स कर देते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। ये जो है हमारा पोहा बिल्कुल वेजिटेबल पोहा बिल्कुल रेडी हो चुका है, या फिर आप लोग इसको चीरे पुलाव भी कह सकते हैं, इसको बंगाली में कहा जाता है। बिल्कुल देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुला खुला पका हुआ है ये। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट पर अपना फीडबैक बताइए, कौन सा रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और अगर आज आप न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरीके की अलग अलग और न्यू रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। ऑल फ्रेंड मिलेंगे इसी तरह के अलग अलग और न्यू रेसिपी के साथ।